दुनिया का मकबूल तरीन गेम फुटबॉल है, जिसके कुल 4 बिलियन से भी ज़्यादा फैंस हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड्स इतने कम हैं, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर खेलने के लिए हमारे नेशनल और रीजनल प्लेयर्स को इतने मौके नहीं मिलते। अगर विमेन फुटबॉल टीम की बात कर ली जाए तो उसके हालात तो और भी बुरे हैं। फीफा का बैन हटने के बाद पाकिस्तानी नेशनल विमेन टीम ने आज तक एक भी इंटरनेशनल दौरा नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि स्पेशल गेस्ट जो हमें बताएंगे कि पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो खुद इंडिविजुअली इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या कर रही हैं। मेरा नाम हाजर खान है, मैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम कैप्टन हूँ। मैं पाकिस्तान की हाईएस्ट गोल स्कोरर भी हूँ और 3-time गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हूँ। फर्स्ट वाला मेरा था जो हम जॉर्डन गए, हमने 90 किलोमीटर ट्रैक किया अराउंड जॉर्डन एंड वहाँ पे डेड सी पे जाके हमने वर्ल्ड लोएस्ट आल्टीट्यूड फुटबॉल मैच खेला, विच वॉज अबाउट 450 मीटर बिलो सी लेवल। उसके बाद फिर इन फ्रांस इन लियोन लास्ट समर वुमेंस वर्ल्ड कप के दौरान हमने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए एक ही वीकेंड पे। One was जिसमें it was the most number of nationalities in a football match, वो हमने काफ़ी beat कर दिया। We had a lot of nationalities एक game में, उसमें मैंने score 2 goals भी किए थे। Third वाला जो था that was the longest running football match, it lasted for about I think 4 days। पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम 10 साल पहले बनी थी एंड इन 2010 वाज द फर्स्ट टाइम वी प्लेड इन साउथ एशिया। उसके बाद से हमारी रैंकिंग हाईएस्ट रैंकिंग हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 206 पहुंच गई थी एंड अभी वी आर डाउन टू 230 अगेन, व्हिच इज़ नॉट रियली अ रैंकिंग। पाकिस्तान टीम 5 साल से इनएक्टिव रही है, सो इट हैज़न्ट बीन अ लॉट ऑफ एक्टिविटी फॉर द नेशनल टीम। अभी आफ्टर 5 years द नेशनल चैम्पियनशिप टुक प्लेस, द एक्चुअल नेशनल चैम्पियनशिप। लिटरली इन ऑल ऑनेस्टी हमें एक दिन का $3 a day मिलता है नेशनल कैंप में एंड $3 a day इज नथिंग, राइट। अभी मैं फीफा वर्ल्ड कप पे गई हुई थी, वहाँ पे भी इक्वल पे की काफ़ी ज़्यादा यू नो एडवोकेसी चल रही थी एंड थिंग्स आर चेंजिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान में क्यों नहीं ये चेंज ला सकते कि आप एक 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 प्लेयर को $3 पर डे पे रख रहे हो, आप वो अपने आप घर बार छोड़ के आता है, वो पढ़ाइयाँ छोड़ के आता है, अपनी नौकरियाँ छोड़ के आता है, जस्ट फॉर द लव ऑफ द कंट्री एंड जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम। सो फिर उसमें ये होता है देन यू स्टार्ट फीलिंग ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज मैंस टीम टूर कर रही है, उनके पैसे भी आप ज़्यादा उनको देते हैं, उनकी कोचेस भी आप इंटरनेशनल बुलवाते हैं। नाउ पाकिस्तान वुमेन्स टीम हैज़न्ट हैड एनी इंटरनेशनल कोचेस। अब हाजरा के साथ हम खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें उनसे करेंगे कुछ दिलचस्प सवालात और जानने की कोशिश करेंगे कि हाजरा अपनी निजी जिंदगी में कैसी हैं। हाजरा मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होंगे और जल्द से जल्द जवाब देने, आप रेडी हैं? रेडी, लेट्स डू दिस। ओके हाजरा, सबसे पहला क्वेश्चन, मेसी या रोनाल्डो? ओह मैन, एवरी वन बैक। ओके, बार्सिलोना या रियल मैड्रिड? बार्सा। लिवरपूल या मैनचेस्टर यूनाइटेड? मैन्यू। स्ट्राइकर या डिफेंस मिडफील्ड? स्ट्राइकर। ओके, इस्लामाबाद या कराची? आई डोंट नो मैन, यू हैव टू पिक वन जल्दी से, कोई सा भी। इस्लामाबाद या कराची, जो दिल में आए। इस्लामाबाद। चलो, कोक स्टूडियो या नेस्कैफे बेसमेंट? नेस्कैफे बेसमेंट। फोर्थ वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर शादी? ओह हाँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। इमरान खान या बिलावल भुट्टो? आई वोटेड फॉर इमरान खान बिकॉज ही इज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज, बट दैट्स अबाउट इट। ओके, अच्छा, बेस्ट गिफ्ट जो आज तक आपको मिला? कैप्टनसी वाज गुड, आई वुड टेक इट एज अ प्रेजेंट। ओके, अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे या फिर नेटफ्लिक्स सीरीज? नेटफ्लिक्स। ओके, कोई नेटफ्लिक्स सीरीज जो अभी देख रही हो? अभी खत्म किया मैंने मनी हाइस्ट। हाँ, और कोई पाकिस्तानी फेवरेट एक्ट्रेस हो? क्यों, हाजरा अमीन,
आई थिंक शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. ज़्यादा मैं देखती नहीं हूँ लेकिन जो मैंने देखा आई थिंक शी इज़ प्रीटी गुड. अच्छा, कोई पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर जिस पर क्रश हो? नहीं यार. नो. तो कोई ऐसा है जो एक्टिंग करता हो? एनीवन, एनी फेवरेट? I'm cool. अच्छा, कोई चीज जो आपके फ्रिज में हमेशा रहती है? कैरेट्स फॉर जूस. एंड कोई डिश जो रिसेंटली पकाई हो? द लास्ट आई कुक वाज ऑरेंज चिकन, द हनी ग्लेज चिकन विद ऑरेंज. ओके, दैट्स ग्रेट. और कोई चीज जो हमेशा ट्राई करने का दिल चाहता हो लेकिन डर से कभी ट्राई ना की हो? बैक फ्लिप. मुझे बहुत शौक है कि मेरी सेलिब्रेशन में एक बैक फ्लिप हो, बट डर लगता है थोड़ा सा, इंजरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा. या दैट्स वन. अच्छा अच्छा, पहली बार किसी ने कब दिल तोड़ा? That's a hard one, I would say. मेरा दिल टूटा था जब we lost against Nepal. Okay, you literally. I'll be smart about this. 2012. अच्छा, और कितने कंट्रीज घूमे आपने? I think 26, 27. अच्छा, कौन कौन से कंट्रीज? European काफी ज़्यादा कंट्रीज हैं. I've been to Russia, I've been to US, Canada, I've been to a lot of Europe. I've been to a lot of places. Yeah. चलो, तो फिर आपकी अम्मी का favorite question है जो मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ आपसे. Oh my God. और वो question ये है कि इतने countries घूम लिए, honeymoon पे कहाँ जाओगी? Oh my God. My mom is so embarrassing. Dude, I just said मैं 3-4-5 record बनाऊंगी, so honeymoon तो देखेंगे फिर.